सो एज यू नो कि थिंग्स दैट मैटर की जो थीम है, एवरी वीक वी डिस्कस समथिंग, समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समथिंग विच मैटर्स अलॉट इन आर लाइफ, बट दैट समथिंग इज बींग इग्नोर्ड, दैट समथिंग इज बींग निग्लेक्टेड बाई मेजॉरिटी. Rather, people are chasing, people are, you know, going after things that don't really matter. और फिर उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो पैनिक होते हैं, सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ये मसला क्यों हो गया, वो मसला क्यों हो गया. लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिन चीज़ों पे उनको एक्चुअली में तवज्जो देनी चाहिए थी, उन चीज़ों पे तवज्जो कभी दी नहीं. अब उन चीज़ों पे तवज्जो ना देने की वजह से ज़िंदगी में जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि एक्चुअली वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर्ड. मैं आपको मिसाल देता हूँ. आप लोग अपने इर्द गिर्द देख लें, इवन अपने एक्सटेंडेड फैमिली में देख लें, घरों में देख लें, सोसाइटी की तरफ एक नज़र दौड़ाइए. ऐसे ऐसे मसले पैदा हो रहे हैं. माँ बाप औलाद की तरफ से तंग हैं, औलाद की तरफ से बहुत से मसले आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत से मसले आते हैं, सिबलिंग्स में राइवलरी होती है, जायदाद के पीछे क्या क्या झगड़े होते हैं, डिवोर्सेज हमारे माशरे में बढ़ी जा रही हैं, और कैरेक्टरलेस लोग आज के दौर में, यानी वो डिग्निटी वाले कैरेक्टर्स और वो मॉडेस्टी वाले कैरेक्टर्स और खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले कैरेक्टर्स, वो बहुत कम हो चुके हैं. तो वेयर डिड थिंग्स एक्चुअली गो रॉन्ग? कितने अरसे से, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, हमने उन चीज़ों को इग्नोर किया. हमने इस्लामिक पेरेंटिंग को इग्नोर किया. हमने, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बच्चे दिए, हमने उनकी ग्रूमिंग पे, उनकी तरबिया पे फोकस करने की बजाय सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस किया कि इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा लो, इनको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाए, इन लोग को जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छे लाइफ स्किल्स आ जाएँ, ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएँ, ये लोग ए स्टार्स लेने लगे, एज लेने लगे. लेकिन कहीं, यू नो, इन द रेस ऑफ चेजिंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं अल्हाकुमुत्तकासुर, कि चेजिंग वर्ल्डली थिंग्स और ये जो राइवलरी है, फॉल्स राइवलरी ऑफ चेजिंग मटीरियल थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स, हैज डाइवर्टेड यू फ्रॉम द ट्रू पाथ, हैज डाइवर्टेड यू फ्रॉम द रियल पर्पज. और आज रिजल्ट आपके सामने. कितना इग्नोर किया हमने ग्रूमिंग को, कैरेक्टर को, हमने कम्प्लीटली जो है वो मोरालिटी को इग्नोर किया, कुरान के अहकामात को इग्नोर किया. हमने बच्चे को कारी साहब से सुपारा तो ख़त्म करवा दिया, कुरान भी शायद ख़त्म करवा दिया, लेकिन कभी कुरान अंडरस्टैंड नहीं करवाया, कभी वो चीज़ अपने घरों में इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाई. उसके आइडियल्स हमने कौन बनाए? सेलिब्रिटीज़ बनाए, म्यूजिशियंस बनाए, अपने घरों में पार्टीज़ अरेंज करके वही कल्चर दिखाया जो कल्चर इस वक्त चल रहा है. तो फिर बड़े होके कैसे उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत पैदा होगी, कैसे उसके दिल में इस्लाम के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, जबकि उसकी सारी की सारी ग्रूमिंग जो है वो उन प्रिंसिपल्स पे हुई है जो इस्लाम से बहुत दूर हैं. और फिर उसके रिज़ल्ट आज हमारे सामने हैं. लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोग रिश्तों का ख्याल नहीं करते, लोग इवन जो है वो पेरेंट्स का ख्याल नहीं करते. ऐसे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि यार क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी इतनी गिर चुकी है, क्या वाकई लोग इतने मादा प्रस्त हो चुके हैं, क्या वाकई पीपल आर आफ्टर यू नो चेजिंग फॉल्स थिंग्स और दे आर आफ्टर अ मिराज. सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें देख के दुख होता है, अफसोस होता है कि समवेयर डाउन द लाइन हमने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इन सारी चीज़ों को. तो वो कौन सी चीज़ें हैं, यही हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं. आज 10th एपिसोड है हमारे थिंग्स दैट मैटर की, और इसमें जो मैं आज बात कर रहा हूँ